प्रिय छात्रों, मैं सगीर अहमद और रसायन विज्ञान की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज रसायन विज्ञान में मैं आपको अपचय अथवा ऑक्सीकरण क्रियाएं, या इनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, इसके अतिरिक्त अपचयन क्रिया जिनको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, अपचयन उपचयन क्रिया जिनको रिडक्शन क्रिया कहते हैं, इन तीनों की परिभाषाओं को मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं अपचयन या ऑक्सीकरण क्रियाओं की परिभाषा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो यानी कमी हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी या अथवा ह्रास हो तो उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, एग्जांपल देखिए आप, ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहां ध्यान देंगे ये कॉपर अकेला है और ये ऑक्सीजन से मिल रहा है, ऑक्सीजन से सहयोग कर रहा है, तो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन में क्या हुई, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, Cu से CuO बन गया, तो क्या हो रही है, ये ऑक्सीजन की आपकी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर दोबारा ध्यान दें, केवल किसमें वृद्धि हो आपकी, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया आप ध्यान देंगे अपचयन अभिक्रिया, जिसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करने से होता है, निकालने से होता है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है आपका ऑक्सीजन का। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्सीजन की अभिकारक में हाइड्रोजन की कमी हो अथवा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की कमी हो अथवा हाइड्रोजन में वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती हैं। कहलाती है। जैसे उदाहरण दें, कॉपर ऑक्साइड का ये हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, इसमें आपका कॉपर अलग हो रहा है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हुई, इसमें से कमी होगी, इसमें से ऑक्सीजन आपकी चली गई या केवल आपका सी बच गया, तो यहाँ आपकी सब पूरी हो रही है। कैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कैसी हो, कमी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस क्रिया को अपचयन क्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन में कोई हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आपका चला जाता है, तो ये क्रिया आपको कैसी कहलाएगी, अपचयन क्रिया कहलाती है। अब तीसरे एग्जांपल पर ध्यान देंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया जिसको जिसमें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन हो, उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, यानी दोनों क्रिया एक साथ होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO + H2, इसी एग्जांपल पर देखा हम CuO + H2, Cu + के H2O का निर्माण हुआ है। यहां पर देखो CuO है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या कॉपर आपका अलग हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से निकल रही है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कैसी क्रिया होती है आपकी, उपचयन अभिक्रिया होती है, इसका उपचयन हो रहा है CuO का, तो ये। और यहां पर हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O का निर्माण कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस क्रिया को, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इस क्रिया को कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, आपका उपचयन हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हाइड्रोक्सन अपचयन उपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। धन्यवाद।